सब्सक्राइब कीजिए स्काई एकेडमी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मिले हर अपडेट आपको सबसे पहले। आज आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास टेंथ का, जिसमें हम विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल करने के लिए सिखाएंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में एक बेल आइकन की घंटी होगा उसको भी दबाना ना भूले, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज आप लोगों के बीच हम बता रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड। वैसा विधि जिसको हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर दिए जाते हैं विलोपन विधि कहा जाता है। तो इस आधार पर आपको एक समीकरण हल करके दिखाते हैं कि विलोपन विधि से हम कैसे किसी समीकरण को हल करेंगे, एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे एक चर को विलुप्त करके हम दोनों चर का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो समीकरण वन हो गया 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 8 सेकेंड समीकरण हुआ। इसको हल करने के लिए आप या तो x वाले टर्म को विलुप्त कर दीजिए चाहे y वाले टर्म को विलुप्त कर दीजिए। इसमें हम दोनों को कर किसी एक को कर सकते हैं, चाहे तो x को करें चाहे y को करें। तो चलिए हम किसी एक टर्म को विलुप्त करके, चाहे तो x को चाहे y को विलुप्त करके हम एक समीकरण, इस समीकरण का हल करते हैं। समीकरण एक को दो से गुना करने पर, समीकरण एक को अगर हम दो से गुना करते हैं, समीकरण एक को दो से गुना करने पर, समीकरण एक को हम दो से गुना करेंगे, दो से गुना करने पर हमें देखिए कितना प्राप्त होता है, 2 × 4x + 3 × 6y = 8 × 16, ये हो गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को एक से गुना करने पर, समीकरण दो को एक से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 4x + 6y = 8, हो गया समीकरण 4। देखिए आप समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से हम 4 में तुलना करेंगे, 4x + 6y = 16, 4x + 6y = 8। देखिए अब इसको हम घटा देंगे, समीकरण 3 - 4, समीकरण 3 - 4 कर देंगे, यहाँ पे 3 - 4 करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अब यहाँ पे हो गया 0 = 8, 0 = 8। अतः यह कथन, तो यह कथन
असत्य है। असत्य है अतः इस समीकरण समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको अगले सवाल पर ले जाता हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, और एक बगल में बेल आइकन की घंटी दिखाई देगा उसको दबाना ना भूले, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपको अगला समीकरण हो गया एक्स प्लस वाई बराबर फाइव पहला समीकरण, 2x-3y = 4 दूसरा समीकरण। तो इसमें आपको समीकरण वन में किसी से ऐसा संख्या से गुना कीजिए ताकि कोई एक चर जो है विलुप्त तो हो सके। अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो वह वाले टर्म विलुप्त तो हो जाते हैं। तो आपको समीकरण वन में समीकरण वन में 3 से गुना करने पर समीकरण एक में 3 से गुना करने पर 3x+3y = 15 इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब समीकरण सेकंड समीकरण सेकेंड को एक से गुना करने पर समीकरण सेकेंड को एक से गुना करेंगे तो वही होगा 2x-3y = 4। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। समीकरण 3 एवं 4 से समीकरण 3 एवं 4 से 3x+3y = 15, 2x-3y = 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 5x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, एक्स बराबर हो जाएगा 19/5। अब एक्स का मान समीकरण वन में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर एक में रखेंगे एक्स का मान तो हो जाएगा 19/5, 19/5+y = 5। तो y = 5 इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में, हो जाएगा 19/5। तो y = हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं 1 होगा, 5 × 1 = 5 हुआ। अब हो जाएगा 5 × 25 - 19, तो y का मान हो गया 25 में से 19 गया 6/5। ये हो गया y का मान, आपको y का मान हो गया, और ये x का मान हो गया, x का मान हो गया। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और मेरे वीडियो को लाइक करें, और साइड में एक बेल आइकन की घंटी दिखाई देगी, उसको ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है प्रत्येक दिन मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी मेरा वीडियो नया अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।